मॉर्निंग एवरी वन, आई एम गुंजन चौहान. हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. टूडे वी विल डू चैप्टर 11, टीपो द वॉटर फ्रॉग. बिफोर वी बिगिन, इमेजिन इफ देयर वॉज नो वॉटर फॉर योर यूज फॉर वन होल डे, वुड योर डेली लाइफ बी ईजी और डिफिकल्ट इफ देयर वॉज नॉट इनफ वॉटर? Where does water come from and why it is so important? ठीक है, अगर imagine कीजिए आपको पूरा एक दिन water नहीं मिले, ठीक है, तो आपकी जो daily life होगी वो easy होगी, बहुत ज़्यादा easy होगी, या difficult होगी अगर आपके पास enough water नहीं है. ठीक है, of course difficulty होगी, पानी के बिना तो जीवन है ही नहीं. वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, पानी कहाँ से आता है, पानी क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम टीपो. हम टीपो से पता करते हैं. हेलो, माई नेम इज़ टीपो, आई एम अ वाटर ड्रॉप, लेट मी टेल यू मोर अबाउट माई सेल्फ. ये टीपो है, ठीक है, टीपो जो वाटर ड्रॉप है, ठीक है, ये हमें उनके बारे में बताएंगे. तो हम इस चैप्टर में पानी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ओके, My journey is like the wheel of a cycle. यहाँ पर पानी क्या बोल रहा है कि मेरी यात्रा जो है वो एक साइकिल के पहिए की तरह है. It goes round and round, जो गोल गोल घूमता रहता है. Water in ponds, lakes, rivers, seas and oceans get heated by the sun and turn into water vapor. तालाबों, झीलों, नदियों, समुद्रों और महासागरों में पानी सूर्य द्वारा गर्म हो जाता है और वाटर वेपर में बदल जाता है. वाटर वेपर इज जस्ट लाइक एयर. वाटर वेपर जो होती है वो वायु के समान होती है, एयर के, ठीक है. यू कैन नॉट सी इट, आप उसे देख नहीं सकते. द वाटर वेपर गोज अप एंड हैज इट राइजेस इट कूल्स डाउन. वाटर वेपर जो है ऊपर जाता है और जैसे ही वह बढ़ता है वह ठंडा हो जाता है. दीज वेपर्स टर्न इंटू अ नंबर ऑफ टीनी वाटर ड्रॉप्स डेट कलेक्ट टू फॉर्म क्लाउड्स. ये जो वेपर्स होती है ये कई छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है और जो बादलों को बनाने के लिए एकत्र होती है. वैन द क्लाउड्स बिकम हैवी विद द वाटर ड्रॉप्स, द ड्रॉप्स फॉल बैक टू द अर्थ हैज रैन और स्नो. जब पानी की बूंदों से जो बादल है वो भारी हो जाता है, ठीक है, तो बूंदें बारिश या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाती है. ओके, द रेन फिल्स द लेक्स एंड पॉन्ड्स, रिवर एंड स्ट्रीम विच फ्लो इनटू सीज एंड ओशियंस. बारिश जो है झीलों और तालाबों, नदियों को भर देती है और समुद्रों और महासागरों में बहती है. Some of the water goes into the soil and collects under the ground. कुछ पानी जो है वो मिट्टी में चला जाता है और जमीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है. Some of it rises up as water vapor and my round trip begins again. Now you know why it is called a water cycle. इसमें से कुछ water vapor के रूप में ऊपर उठता है और जो पानी बोल रहा है कि मेरा जो दौर है वो फिर से शुरू हो जाता है. जब अब आप जानते हैं कि इसे जल चक्र या वाटर साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि राउंड 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 उसकी प्रोसेस जो है वाटर की वो चलती रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल. देखिए आपको ये पिक्चर में शो भी किया गया है, ठीक है. हु नीड्स वाटर एंड वॉट डू यू नीड वाटर फॉर. किसे पानी की ज़रूरत होती है और आपको पानी की क्या ज़रूरत है. वाटर इज इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स बिग एंड स्मॉल. पानी ना केवल आपके लिए बल्कि सभी पेड़ पौधों और जानवरों जो छोटे बड़े हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस एंड इन डिफरेंट क्वान्टिटीज बट नन कैन डू कम्प्लीटली विदाउट वाटर. सभी लिविंग थिंग्स मतलब जीवित चीज़ें जो रहती हैं उनको वेरियस पर्पसेस के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, और विभिन्न मात्रा में
पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से पानी के बिना नहीं रह सकता है। ओके, यू नीड वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज़, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, यूजिंग द टॉयलेट, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स, स्मोकिंग, कुकिंग एंड मोर। इमेजिन इफ देयर वॉज नो वाटर इन योर हाउस फॉर वन डे। आपको कई गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, स्नान करने के लिए, शौचालय का उपयोग करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पोछा लगाने के लिए, खाना पकाने के लिए और बहुत कुछ के लिए पानी की हमें आवश्यकता होती है। सोचिए अगर एक दिन भी आपके घर में पानी ना हो तो। देखिए ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है कि इन इन चीज़ों में हमें पानी की आवश्यकता होती है। अगर एक दिन हमें पानी ना मिले तो इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ आई बिकम लेजी एंड डिड नॉट कीप गोइंग राउंड एंड राउंड। सोचिए, पानी बोल रहा है कि सोचिए अगर मैं आलसी हो जाऊं और गोल गोल घूमता ना रहूं तो क्या होगा। आप देखते हैं क्या होगा। ठीक है, If there is no rain, ponds, lakes, rivers and also the water which is under the ground would dry up. अगर बारिश नहीं होती है तो तालाब, झील, नदियाँ और ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख जाएगा। Without water, no plants would grow. Without plants, there would be no food for you or other animals and many activities would be affected. पानी के बिना कोई भी पौधा जो है वो विकसित नहीं होगा। पौधों के बिना आपके या अन्य जानवरों के लिए कोई भोजन नहीं होगा और कोई गतिविधि, जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ है, गतिविधियाँ, वो सारी भी प्रभावित हो जाएगी। ओके, Do you know where you get water from? क्या आप जानते हैं कि आपको पानी कहाँ से मिलता है? You get water from rivers and streams. आपको नदियों और नालों से पानी मिलता है। This water is first taken through pipes to a place where it is stored and cleaned and then sent to your houses through another set of pipes. इस पानी को पहले पाइपों के माध्यम से एक जगह पर ले जाया जाता है जहाँ उसे स्टोर और साफ किया जाता है और फिर पाइप के दूसरे सेट के माध्यम से आपके घरों में भेजा जाता है। वाटर विच इज अंडरग्राउंड कैन बी टेकन बाय डिगिंग वेल्स एंड पुटिंग हैंड पंप्स। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू कलेक्ट वाटर। जो भूमिगत जल रहता है, मतलब धरती के नीचे जो जल रहता है, उसे कुओं को खोदकर और हैंडपम्प द्वारा लिया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में पानी की कमी है और लोगों को पानी इकट्ठा करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, मतलब बहुत दूर दूर तक जाकर उन्हें पानी लाना पड़ता है। ठीक है, हाउ डू यू स्टोर वाटर इन हाउस। आप घर में पानी कैसे जमा कर सकते हैं, अब देखते हैं हम। ठीक है, When I reach your house, I am sometimes stored in buckets, can, bottles or mudcas. All these are called containers. Whenever I am stored, it is important that the container is kept covered so that I stay clean. जब मैं आपके घर पहुँचता हूँ तो मुझे कभी कभी बाल्टी, डिब्बे, बॉटलों और मटकों में रखा जाता है। इन सभी को कंटेनर कहा जाता है, जहाँ भी मुझे स्टोर करते हैं। ठीक है, या स्टोर रहता हूँ। यह महत्वपूर्ण है कि कंटेनर को कवर किया जाए ताकि पानी जो रहे वो साफ रहे। ओके, नाउ यू नो हाउ इम्पोर्टेंट आई एम। You should never waste me. But how? Let's look at what these children are doing and understand. अब आप जानते हैं कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। आपको मुझे कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर कैसे? आइए देखें कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। जैसे देखिए, पहले इसमें बच्चा ब्रश कर रहा है तो
ये गलत है कि वो नल खुला छोड़कर ब्रश कर रहा है, ठीक है। जब ब्रश कर रहा है तो टैप जो है नल उसको क्लोज कर दीजिए नहाते टाइम, ठीक है। हमें शावर का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें बकेट और बाल्टी से नहाना चाहिए ताकि पानी कम वेस्ट हो। कपड़े धोते टाइम भी हमें क्या करना चाहिए, बकेट में नल जो है वो खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जितने पानी की आवश्यकता है उससे ही कपड़े जो हैं वो धोने चाहिए। और कार वॉश करते समय भी हमें बकेट और क्लॉथ से क्लीन करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ तरीके हमें बताए हैं जिससे हमें पानी को सेव कर सकते हैं। मैनी पीपल ऑल्सो मेक मी डर्टी बाय थ्रोइंग गार्बेज एंड अदर थिंग्स इन मी। बहुत से लोग मुझ में कचरा और अन्य चीज़ें फेंक कर मुझे गंदा कर देते हैं। डर्टी वाटर कैन मेक यू सीक, यू मस्ट ऑलवेज टेक केयर टू कीप वाटर क्लीन। गंदा पानी आपको बीमार कर सकता है, पानी को साफ रखने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पानी को कभी भी डर्टी नहीं करना चाहिए और उसे क्लीन रखना चाहिए। आज हमने वाटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और सीखी, ठीक है। थैंक यू।